अगर आपने अपना इमेज एक बेहतर पार्टी, एक तब्दीली लाने वाली पार्टी के लिए सामने लेकर आना है, तो फिर ये तमाम नेगेटिव चीजें ये अच्छा सना मिर्जा मुझे लग रहा है कि आपको इन्होंने पत्थर मारा है या कोई चीज मारी है, लेकिन अच्छी बात है कि आप अपनी मुस्कुराहट से इनकी बदतमीजी का मुकाबला करें। जी मुझे इस वक्त पानी की बॉटल पिछली 3-4 दफा अटेम्प्ट की थी लेकिन वो लग नहीं सकी और वो आपके कैमरे के सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये इत्तेफाक से लगी भी है मुझे और तकलीफ भी जाहिर सी बातें हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो सही तरीके से कन्वे कर सकूँ। अच्छा सना, आप बड़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं और आप इनकी बदतमीजी का और इनकी इखलाक बाख्तगी का मुकाबला आप मुस्कुराहट से और सब्र तहमुल से कर रही हैं। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और आपकी आंखों से मुझे आंसू भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके ये आंसू जो हैं ये आपकी कमजोरी नहीं बनने चाहिए, आपके ये आंसू आपकी मजबूती बनने चाहिए और सना मिर्जा के ये आंसू आज पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है, इन आंसुओं को देखो और इमरान खान साहब और उनके साथी जो नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार हैं वो सना मिर्जा के इन आंसुओं को देखें और वो लोग जो इस वक्त लाहौर की सड़कों पे इस खातून सहाफी को घेरा डाल के इसको तंग कर रहे हैं, इसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो अपने घरों में जो उनकी माएं बहनें हैं उनका ख्याल दिन में लेके आए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल जो खवातीन हैं उनके लिए आज सना मिर्जा एक इबरत की मिसाल बन चुकी है और इनकी तस्वीरें दिखाएं, इन लोगों की शक्लें दिखाएं जिन्होंने सना मिर्जा को तंग किया है। मैं चाहता हूं कि कैमरा इन लोगों को दिखाए और सना मिर्जा के जो आंसू हैं उसको पूरी दुनिया देखे, सना मिर्जा के आंसू इस वक्त पूरी दुनिया देखे। इस खातून सहाबी का कसूर सिर्फ ये है कि ये जुर्रत और बहादुरी के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए तब्दीली आप लाना चाहते हैं जरूर लेकर आए, आप तब्दीली लाना चाहते हैं जरूर लेकर आए, लेकिन किसी भी कौम में खवातीन के साथ ये सलूक नहीं किया जाता, बदतरीन कौमें भी खवातीन को इज्जत के साथ ट्रीट करती हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी इस सूरत हाल के बावजूद भी कि सारे लोग बुरे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर बुरे लोग मौजूद हैं तो फिर आप नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे।